हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आज हम बात करेंगे नर युग्म कोशविद की संरचना। नर युग्म कोशविद की संरचना विकास चलेगा नर युग्म कोशविद और इसकी संरचना की बात करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। नर युग्म कोशविद का विकास किस प्रकार से होगा? इससे पहली वाली क्लास में हम बात कर रहे थे पराकण की संरचना की, तो वही पराकण नर युग्म कोशविद की प्रथम कोशिका है। ये पराकण है, ये नर युग्म कोशविद की प्रथम कोशिका है। और ये नर युग्म कोशविद की संरचना किस प्रकार से होगी तो देखेंगे कि ये एक नर युग्म कोशविद है, ये पराकण से बना है और जिसमें ये नर युग्मक है, नर युग्मक, और ये एक पराकण है और इसमें ये पराग नलिका है, पराग नलिका। तो इसका निर्माण कैसे होगा, इसका विकास कैसे होगा, ये पराकण से कैसे बनेगा? तो नर युग्म कोशविद है क्या, यानी एक प्रकार से अंकुरित पराकण, अंकुरित पराकण को ही नर युग्म कोशविद कहा जाता है। ध्यान रहे कि जो अंकुरित पराकण है, इस अंकुरित पराकण को ही नर युग्म कोशविद कहा जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि पराग नलिका तथा उसमें दो नर युग्मक युक्त अंकुरित पराकण को क्या कहा जाता है, नर युग्म कोशविद यानी मेल गैमेटोफाइट। ध्यान रखें, तो ये कैसे बनेगा, पराकण से इसका निर्माण होगा, किस प्रकार से होगा, वो हम बात करने जा रहे हैं। तो हम समझ चुके होंगे कि नर युग्म कोशविद क्या है, कि अंकुरित पराकण को नर युग्म कोशविद कहा जाता है, इसका विकास किस प्रकार से होगा, संरचना कैसी होगी, वो हम बात करेंगे। नर युग्म कोशविद का विकास दो चरणों में हुआ। नंबर एक, प्रथम चरण, दो चरणों में होगा प्रथम चरण और द्वितीय चरण। नंबर एक प्रथम चरण की बात करेंगे। यह चरण होता है जो पराकण के पराग कोष से मुक्त होने से पहले ही संपन्न होता है, यानी पराकण होते हैं जो पराग कोष से बाहर नहीं आते हैं, उससे पहले ही पराग कोष में संपन्न होगा। इसमें पराकण होता है जो अपने आकार व आयतन में वृद्धि करेगा, पराकण आकार व आयतन में वृद्धि करेगा, कि जैसे पराकण है आकार व आयतन में वृद्धि करेगा। इसके बाद में इसमें समसूत्री विभाजन क्रिया होती है, जिससे दो असमान आकार की कोशिकाएं बनती हैं। दो असमान आकार की कोशिकाएं बनेंगी, एक कोशिका बड़ी कोशिका है और ये एक छोटी कोशिका है। ये बड़ी कोशिका है और इस बड़ी कोशिका को कहा जाता है कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल है, कायिक कोशिका है। और ये नीचे छोटी है, इसे कहा जाता है जनन कोशिका। ये जनन कोशिका है, कायिक कोशिका क्या है, बात ये करते हैं सबसे पहले कि पराकण के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। तो नंबर एक कायिक कोशिका, कायिक कोशिका बड़े आकार की जो कोशिका, इसे कायिक कोशिका कहा जाता है। अर्थात इसमें कोशिकाओं की जो मात्रा होती है, इस जनन कोशिका की तुलना में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका केंद्रक प्रारंभिक गोल होता है और बाद में अनियमित आकार का होता है, तो ये कायिक कोशिका है। छोटे आकार की जो कोशिका है, इसे जनन कोशिका बोलते हैं। अर्थात यह एक लेंस के आकार की होती है, जो जनन कोशिका है, जनन कोशिका
यह लेंस के आकार की होती है, बाद में लंबी और क्रैमी रूपी हो जाती है, जिसे जनन कोशिका बोलेंगे। यही जनन कोशिका होगी जो एक प्रकार से समसूत्री विभाजन के द्वारा पराग नलिका में नर युग्मकों का निर्माण करेगी। तो ये प्रथम चरण होगा जो एक प्रकार से पराग कोष में ही संपन्न होगा। इसमें परागकण सबसे पहले आकार व आयतन में वृद्धि करेगा और इसके बाद में इसमें समसूत्री विभाजन क्रिया होगी, जिससे दो कोशिकाएं बनेंगी, बड़ी कोशिका होगी कायिक कोशिका और छोटी होगी जनन कोशिका। इस द्विकोशिकीय अवस्था में ही पराकण होता है जो वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचता है। उसके बाद में दूसरे चरण की क्या होगी, शुरुआत होगी। पहला चरण के बाद में दूसरा चरण आता है, द्वितीय चरण। द्वितीय चरण की बात करेंगे, नंबर दो द्वितीय चरण, द्वितीय चरण है। प्रथम चरण में आपने देखा कि ये पराकण की संरचना है और इसमें ये दो कोशिकाएं बन चुकी हैं, ये जनन कोशिका है और ये कायिक कोशिका है। ये आपको ध्यान है कि बाएं चोल है पराकण की संरचना में, बाएं चोल एक्जाइम, बाएं चोल है इंटेन, ये अंतः चोल है, ये अंतः चोल है और ये दो कोशिका है, ये कायिक कोशिका है और ये जनन कोशिका है। इस द्वि कोशिकीय अवस्था में ही पराकण वर्तिकाग्र के ऊपर जाएगा, अर्थात पराकण होता है जो इस द्वि कोशिकीय अवस्था में ही वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचने के बाद में, जैसे ये वर्तिकाग्र है और पराकण होगा जो इस द्वि कोशिकीय अवस्था में ही वर्तिकाग्र के ऊपर जाएगा और वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचने के बाद में वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचने के बाद में वर्तिकाग्र से पोषक पदार्थ ग्रहण करके अंकुरित होने लगेगा तथा इससे पराग नलिका बाहर निकलेगी। जैसे यहाँ डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूँ, इससे पराग नलिका बाहर निकलेगी, ये पोलन ट्यूब बाहर निकल रही है, पराग नलिका बाहर निकल रही है, जैसे पराकण है और इस पराकण से ये अंतः जो चोल होती है जनन छिद्र से होकर बाहर निकलेगी, ये देखिए, और इसके अंदर कायिक कोशिका का केंद्रक आ जाता है, जिसे एक प्रकार से नलिका केंद्रक के नाम से जानते हैं। ये नलिका केंद्रक है, नलिका केंद्रक के नाम से जानेंगे। इसके पीछे पीछे जनक कोशिका का केंद्रक भी आ जाता है, जो जनन कोशिका है, जैसे ये अंतः चोल है और ये जनन छिद्र से होकर पराग नलिका से बाहर निकलेगी, और ये भाएं चोल है, ये भाएं चोल है और इसके अंदर ये जनन कोशिका का केंद्रक प्रवेश कर चुका है और ये समसूत्री विभाजन क्रिया के द्वारा क्या बनेगा, दो नर युग्मक का निर्माण करता है। ये पराग नलिका है और इसमें क्योंकि सबसे पहले इसमें कायिक कोशिका का केंद्रक प्रवेश करता है, लेकिन वो अंत में नष्ट हो जाता है और उसके बाद में जो जनन कोशिका का केंद्रक इसमें प्रवेश करके समसूत्री विभाजन क्रिया के द्वारा दो नर युग्मक का क्या करता है, निर्माण करता है, अर्थात यही एक नर युग्मक कोशिकाविद है। तो अतः हम कह सकते हैं कि पराग नलिका तथा उसमें दो नर युग्मक युक्त अंकुरित पराकण को ही क्या कहा जाता है, नर युग्मक कोशिकाविद। यही नर युग्मक कोशिकाविद है जिसमें दो नर युग्मक ही आगे निषेचन में भाग लेंगे। एक नर युग्मक होगा जो अंड कोशिका से संयोजित होकर जायगोट बनाएगा और दूसरा केंद्रीय कोशिका से संयोजित होकर, जो भ्रूण कोष की केंद्रीय कोशिका होगी उससे संयोजित होकर भ्रूण कोष का निर्माण करेगा, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।